हेलो फ्रेंड्स, क्लास सेवेंथ के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 16, जिसके लिए हमको पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पर ए बी सी ये राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया है और उसके बाद मैंने डी ये पॉइंट इस ए बी सी के इंटीरियर में लिया और बी के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर अब ये दो एंगल्स बन गए। तो ये दो एंगल्स जो बन गए हैं, ये एक एंगल और ये एक एंगल, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, ये दो एंगल्स यहाँ पर बन गए हैं। तो ये दोनों एंगल्स की जब हम एडिशन करेंगे तो वो कितनी आएगी, ये पूरा बड़ा जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, राइट। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी अगर हम करेंगे तो एंगल ए बी सी जितना ही आएगा ना, तो वो कितना आएगा, 90 डिग्रीज, राइट। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं जिनके मेजर्स की अगर हम एडिशन करें तो वो आती है 90 डिग्रीज। तो उन दो एंगल्स को, इन दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो टोटल होती है, उनके मेजर्स की जो टोटल होती है वो 90 डिग्रीज होती है। तो एक डेफिनेशन आप याद रखिए कि जिन दो एंगल्स के मेजर्स की टोटल ये 90 डिग्रीज होती है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो नीचे कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हमको मेजर्स बताने हैं। तो सबसे पहला है 40 डिग्रीज। हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो टोटल होती है तो वो होती है 90 डिग्रीज। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम ये समझेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका मेजर है x। ये एंगल 40 प्लस x अगर हमने किया तो वो आता है 90 डिग्री, राइट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो टोटल होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्रीज। तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ये 40 हमको इधर माइनस करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 40, तो x इज इक्वल टू कितना आता है, 50 डिग्रीज। मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 50। तो आंसर लिखेंगे द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्री इज 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री ये जो है ये हमारा आंसर है। ये आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड इज 63 डिग्री है। तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो 63 प्लस एक्स अगर किया तो आता है 90 डिग्रीज। तो एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 90 माइनस 63, ये आता है 27 डिग्रीज, राइट। तो इसका आंसर लिखेंगे द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्रीज इज 27 डिग्री। नेक्स्ट इज 45 डिग्रीज। फिर से लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 45, इट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्रीज। 55
लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 55, इट इज 35, तो ये क्या आता है 35 डिग्रीज. तो द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्रीज इज 35 डिग्री. 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको निकालना है, तो लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 20, दैट मीन्स 70. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर क्या आया, 70 डिग्रीज, 90 डिग्रीज. 90 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा. करके देखते हैं, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 90, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 0. अगर 90 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो वो क्या आता है, 0. लास्ट एग्जांपल है एक्स डिग्री. तो एक्स अगर है तो हम यहां पर एक्स नहीं पकड़ेंगे, हम ए बोलेंगे. लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ए, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आता है, 90 माइनस एक्स. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस 20 एंड y प्लस 30 आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. तो दो एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनके मेजर्स है y माइनस 20 और y प्लस 30, तो दोनों के मेजर्स कितने होंगे ये हमको फाइंड आउट करने हैं. तो एक एंगल है y माइनस 20 और दूसरा है y प्लस 30. अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो उनका जो टोटल आएगा मेजर्स का वो कितना आएगा, 90 डिग्रीज, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो हम लिखेंगे y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 90, क्योंकि रीजन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनकी दोनों की टोटल क्या आती है, 90 डिग्रीज. तो अब ये दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. अब दोनों y ऐड करेंगे, 2y, और ये माइनस 20 है, ये प्लस 30 है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा. तो क्या आएगा, 30 माइनस 20 अगर किया तो 10, और साइन आएगा प्लस, प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. साइन प्लस क्यों आया है, क्योंकि बड़े नंबर को प्लस साइन है इसलिए. तो 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 90, 2y इज इक्वल टू ये 10 यहां पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 10, तो 2y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, दैट मीन्स 40. अब ये y की वैल्यू आई है, अब हमको दोनों एंगल्स क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो y माइनस 20, तो y माइनस 20 कितना आता है, इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो ये आएगा 20, राइट. तो एक एंगल आएगा 20 और दूसरा है y प्लस 30 इज इक्वल टू 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70. तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 20 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज. तो ये है हमारा आंसर. तो ये था प्रैक्टिस सेट 16. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।